हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं सिविल लाइन से, तो जो मेरी ये जो सीरीज़ है आप जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो यकीन मानिए जो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। और आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम बेस्ड या इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें होंगे, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम मतलब या इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोशिश करूँगा अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट दूँ। तो और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये सीरीज़ जो है स्टार्ट करनी चाहिए निकलनी चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सबसे पहले जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के साथ साथ उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एक क्यूबिक मीटर होता है, एक क्यूबिक मीटर जो होता है सीमेंट, उसमें कितने बैग आते हैं, ये मोस्टली एग्ज़ाम में या जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ये मोस्टली पूछा जाता है कि एक क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट के बैग होते हैं जो एक क्यूबिक में। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। जो यूनिट वेट होता है सीमेंट का 1440 केजी होता है, ठीक है। और एक बैग का जो वेट होता है वो होता है 50 केजी, ठीक है। यूनिट वेट होता है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप। जो यूनिट वेट होता है वो 1440 केजी होता है और एक बैग का जो वेट होता है 50 केजी होता है। तो 1440 डिवाइड बाई 50, तो हमें एक क्यूबिक मीटर में कितने बैग लगेंगे उसका हमें आ जाएगा, तो 28.8 बैग आएंगे, लगभग 29 बैग, मतलब 29 बैग के आसपास एक क्यूबिक मीटर में लगते हैं, ठीक है। और अगर हमें वॉल्यूम पूछी जाए तो दोस्तों वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग, तो जो है जो एक बैग का जो वेट होता है 50 होता है डिवाइड बाई 1440, तो जो वॉल्यूम आ जाएगा 0.0347, ये एक सीमेंट की बैग का वॉल्यूम आ गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। एक तो ये 29 कि एक क्यूबिक मीटर में कितने बैग होते हैं, 29 या मतलब कि 28.8 और ये 0.0347, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट शुड वी डू आफ्टर स्लैब कास्टिंग। वी शुड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट शुड वी डू आफ्टर स्लैब कास्टिंग, जो स्लैब हम कास्टिंग करते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड ग्राउटिंग, जो छेद जो रह जाते हैं स्लैब कास्टिंग के बाद उसमें वी शुड प्रोवाइड ग्राउटिंग, हम ग्राउटिंग करते हैं आफ्टर स्लैब कास्टिंग, फिलअप वायर्स जो छेद होते हैं उसको भरने के लिए हम ग्राउटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जनरली चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम, हाउ मच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम शुड बी एक्सेप्टेड इन अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर दोस्तों स्पैन लेंथ इन, जो स्पैन लेंथ है बीम की mm डिवाइडेड 360, पर इसको mm में आ जाएगा सोल्व करने के बाद, ठीक है दोस्तों। पॉइंट क्वेश्चन नंबर फोर, जो लिंटल जो थिकनेस होती है, लिंटल की जो थिकनेस होती है, थिकनेस शुड भी कितनी, मतलब जनरली कितनी होनी चाहिए दोस्तों। की जो जनरल जो थिकनेस होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, और एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हमें अगर इंच में लेना है तो 15 डिवाइड बाई 2.54 तो इंच में आ जाएगा, ठीक है। और पैराफिट वॉल हाइट शुड बी, जनरली पूछा जाता है कि जो पैराफिट वॉल होती है जो रूफ के ऊपर होती है, जो हम बाउंड्री करते हैं, उसकी हाइट मतलब कितनी देते हैं, एक जनरली हाइट कितनी होती है उसकी। तो जनरली जो उसकी हाइट है दोस्तों वो एक मीटर हम रखते हैं जनरली, और एग्ज़ाम में और मतलब कि इंटरव्यू में अगर देने जाते हैं तो एक सवा एक मीटर के आसपास इसको बोल जाती है, ठीक है। और विंडो की जो हाइट होती है, विंडो की जो हाइट होती है दोस्तों, विंडो लगाते हैं हम घर के अंदर, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विंडो हाइट शुड भी कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट जो होती है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी 120 सेंटीमीटर और से लेकर 1.20 मतलब कि 1.20 मीटर होती है। और इसको अगर हम उसमें निकालें, फीट में निकालें, थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों एक सेकेंड,
120 सेंटीमीटर, और अगर इसमें हम इंच में बनाते हैं पहले, डिवाइड बाय 2.54, ये आ गया, ये आ गया आपका 120 डिवाइड बाय 2.54, ये आपका आ गया 47.24। इसको हम अब फिट में बना लेते हैं, ये इंच आ गया दोस्तों आपका, इंच आ गया, इसको हम डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, 3.93 फीट आ गया, मतलब लगभग 4 फीट के आसपास फीट, मतलब कि जैसे ये होता है जो 11 इंच होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं फीट में तो 91 आता है, तो लगभग 4 फीट के आसपास। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.93 फीट। और इसके बाद दोस्तों जो है डीपीसी होती है, हम डीपीसी डालते हैं घरों में, एक सेकंड थोड़ा, डीपीसी जो होती है, जो डीपीसी जो थिकनेस होती है दोस्तों, डीपीसी थिकनेस शुड बी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जो डीपीसी जो होती है, डीपीसी जो थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। और अब इसके बाद है प्लिंथ हाइट शुड बी, तो प्लिंथ की जो हाइट होती है कितनी होनी चाहिए दोस्तों, प्लिंथ की जो हाइट होती है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरली, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद प्लास्टिक की जो थिकनेस होती है दोस्तों, प्लास्टिक थिकनेस ऑफ सीलिंग शुड बी, मतलब जो सीलिंग के ऊपर हम जब प्लास्टर करते हैं छत में, तो उसकी जो थिकनेस होती है प्लास्टिक की वो 6 mm होनी चाहिए, और जो हम अंदर दीवारों पे करते हैं उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो थिकनेस है दोस्तों, जो अंदर दीवारों करते हैं उसकी थिकनेस होती है 12 mm, मतलब आधा इंची। ठीक है, आधा इंची रखते हैं, और जो एक्सटर्नल करते हैं दीवारों पे उसको हम करते हैं 12 से ज़्यादा। ठीक है, अब इससे हम ज़्यादा हम करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, उसमें जो जो प्लास्टर है वो कमज़ोर होता है, तो जब भी आप प्लास्टर अगर करवाते हो तो इस चीज़ का ज़रूर बोलिए कि जो थिकनेस है प्लास्टर की ज़्यादा ना करवाए, बिकॉज अगर ज़्यादा आप थिकनेस करवाते हो प्लास्टर की तो दोस्तों क्या होता है कि जो प्लास्टर की जो मजबूती होती है ना वो उतनी नहीं मिल पाती, वो खोखला बजता है। जैसे आप उसको करके देखोगे ना ऐसे, कभी जो जिसकी थिकनेस से अगर 12 mm होगी उसको देखना, और अगर एक बार आप 20 का या 25 का करा के देखना, तो उसकी जो है ना वो जो कनक देने की आवाज़ होती है ना, मजबूती होती है, वो आवाज़ उसमें निकलेगी नहीं, तो कमज़ोर होता है। तो सीलिंग में 6 mm का, और जो वॉल होती है इंटरनल उस 12 mm का, और जो एक्सटर्नल होती है उससे उससे ज़्यादा होता है 12। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और सीमेंट इनिशियली सेटिंग टाइम शुड बी, जो सीमेंट होती है मजबूती के लिए जो है, जो इनिशियली टाइम शुड बी सेटिंग, इनिशियली सेटिंग टाइम शुड बी दोस्तों, जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का वो 30 मिनट से लेकर और 90 मिनट तक होता है, मतलब आधा घंटा से लेकर 1.5 घंटे तक जो है सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है, स्टार्टिंग टाइम 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक होता है, मतलब आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यकीन मानिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सीरीज में है, मैं जो है आज से शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको ये जो सीरीज़ है दोस्तों अच्छी लगी तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और बनाता रहूँगा, बट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए ताकि मैं आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ, और मेरे दोस्तों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके मेरी इस वीडियो के माध्यम से। मेरी जो है वीडियो बनाने का यही एक मकसद होता है कि जो मेरे दोस्त हैं फ्रेशर हैं एग्ज़ाम के लिए कहीं जाते हैं तो उनको इन वीडियो के माध्यम से दोस्तों कुछ ना कुछ मिल सके, क्योंकि दोस्तों अगर हम हमारे पास कुछ है, अगर हमारे से किसी को हेल्प मिल जाए तो हमारा क्या जाता है दोस्तों। अगर यही सब कुछ हर कोई बंदा सोचे समझे और बताए
तो ये जो फ्रेश लड़के हैं खुद कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों मैं यही कहूँगा, और अगर आपको मेरी दोस्तों वीडियो है जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।